ये रिजर्वेशन खैरात नहीं है, ये हिस्सेदारी है, ये भागीदारी है, क्योंकि देश का 140 करोड़ का जो परिवार है, पूरे परिवार की भागीदारी व्यवस्था में जरूरी है। जिस घर में सभी लोगों की भागीदारी अपने घर की व्यवस्था में नहीं होती, वो घर भी अच्छी तरह नहीं चलते, टूट जाते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंगों में नहीं होती, वहाँ बैठे हुए लोग जो काम करते हैं उनके जरिए वो काम होता है। या तो उस मानसिकता के लोग जज नहीं बन पाए, या बहुत कम लोग थे जिनमें वो मानसिकता थी इस देश के सिद्धांत को बचाने की। इस देश के सिद्धांत को बचाने की मानसिकता के साथ अगर कोई जज होता है तो इस देश में इमरजेंसी के दौरान सारे जज लंबे लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे सत्ता और शासन के सामने, तब हमने वो कहानी देखी है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति आज की है, बिना इमरजेंसी घोषित हुए। असमानता कितनी बढ़ रही है, क्या कर रही है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? तमाशा देखने के लिए थोड़ा है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग सिद्धांत को नहीं समझते, सिद्धांत के हिसाब से काम नहीं कर सकते, डरते हैं, भय है, लालच है, अपने घर जाओ, पीछा छोड़ो हमारा, इस देश का जाओ, पेंशन लो, रोटी खाओ, और घर वालों को भी बताओ कि हम काम करने में नाकाम हैं, हम इस देश को में सिद्धांत लागू करने में विफल लोग हैं, फिर भी हम फोकट की तनख्वाह खा के तुम्हारा गुजारा कर रहे हैं। इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। कब तक तमाशा ये देश देखेगा? 75-80 साल के बावजूद भी हमें वही इसी तरह की बातों के लिए संघर्ष करना पड़ा कि गिनती करो, गिनती करो, रिजर्वेशन दो। साथियों, जब से देश आज़ाद हुआ है और संविधान लागू हुआ है, उसका मकसद किसी की सत्ता या किसी का शासन बनाना नहीं है। सत्ता और शासन को हम खत्म कर चुके हैं जब ये देश आज़ाद हुआ। उससे पहले दिमाग में, मानसिकता में भी शासन था और लोग अपने आप को सत्ताधीश समझते थे। जब से संविधान इस देश में लागू हुआ है, यहाँ पर कोई शासन नहीं है, कोई शासक नहीं है। यहाँ पे एक व्यवस्था है जो कि संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था हमें स्थापित करनी थी, जो अभी स्थापित नहीं हुई है। इसलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा जो नाम है मानवीय व्यवस्था अभियान, वो भी संविधान के तहत, जो संविधान निर्माताओं ने और इस देश के 140 करोड़ लोग अब सपना देखते हैं कि सब भाईचारे के साथ रह पाए, क्योंकि प्रीएम्बल में हमारा सारा कुछ लिखा हुआ है, 3-4 लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ हम मुसलमान, हम हिंदू, हम सिख और ईसाई नहीं, हम अगड़े पिछड़े, शूद्र वैसे, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, वी द पीपल, एक जैसे लोग, भारत के लोग, 140 करोड़ का परिवार। ये सारी की सारी बातें गौण हैं और ये बातें अभी भी सिर उठा के अपने आप में पूरे समाज में अफरा तफरी मची हुई है। कब्जे की मानसिकता अभी भी है, शासन की मानसिकता अभी भी है। इसी वजह से जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो गारंटी संविधान देता है, उसको इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। उसमें सबसे ज़्यादा दोषी, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं इसमें सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, क्योंकि संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुसार सारे काम हो, ये सुनिश्चित करना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स का काम था। और साथियों, ये बार बार जो देश को की मानसिकता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें शर्माने की, झिझकने की कोई बात नहीं है। इस देश में रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है। रिजर्वेशन इसलिए लागू करनी पड़ी कि जो बदमाश मानसिकता है, जो शासन मानसिकता है, जो अपने आप में मैं अपने आप को सबसे अगड़ा मानूं, सबसे विकसित मानूं, सबसे बड़ा इंसान मानूं, ये जो गलत फहमी लोगों में है या थी, उसको खत्म करने के लिए, उस बुराई से लड़ने के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था में शामिल होने से महरूम किए गए, जो बहुत ज़्यादा समझदार थे, बहुत ज़्यादा योगदान देश में कर सकते थे, उन लोगों को भागीदारी करने नहीं दी गई। इसलिए देश को और बैकवर्ड बनाने की कोशिश की है, जो अपने आप को अगड़े मानसिकता के लोग समझते हैं। इसलिए दूसरा, कितनी बड़ी बदमाशी है इस देश में, यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और उसमें कोर्टें शामिल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कोर्टें कैसे शामिल हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड का कोई जज हो या कोर्ट काम करती, तो वो एक मिनट में ये बात कहती कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 20 हैं, 10 हैं, 40 हैं, 100 हैं, तो उसमें उसी हिसाब से रिजर्वेशन लागू करिए, उसी हिसाब से भागीदारी करिए समाज की। ये किसी चंद लोगों की बपौती नहीं है, चंद जातियों की, ये चंद वर्ण की और बपौती नहीं है। और एक और देश में शरारत चल रही है, बाकी कोई भी जाति लिखता है, वर्ण नहीं लिखता। इसमें मैं ये नहीं है कि मैं कोई ब्राह्मणों के खिलाफ हूँ, ब्राह्मण की जाति नहीं लिखी जाती, वर्ण लिखा जाता है। अरे वर्ण का तो प्रोविजन नहीं भाई, जाति लिखो, कौन सी जाति के हो, कौन सी जाति का ब्राह्मण है,
कौन सी जाति का शूद्र है, कौन सी जाति का वैश्य है, कौन सी जाति का ये है। ये ड्रामेबाजी इस देश में जो चल रही है, ये धोखेबाजी है, अमानवीयता है। और मानवीय व्यवस्था का मतलब है पूरे 140 करोड़ लोगों को एक जैसा समझना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। 23 जुलाई के, हाँ, और 23 जुलाई के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है इसी मुद्दे पे। और जनगणना क्यों नहीं हो इस देश में, और जनगणना करने वाला आदमी इतना अच्छा काम उन लोगों ने किया था, वो जाके गोद में उन लोगों की बैठ गया जो जनगणना के विरोधी हैं, जो बात दिखाना चाहते हैं इस देश में अपने आप को बैकवर्ड या उस तरह का चेहरा, और वो बदमाशी कर रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि जो चेहरे से या बातों से अपने आप को बैकवर्ड बताते हैं वो बैकवर्ड है ही नहीं, वो जालसाजी है इस देश के साथ। अदरवाइज तो कोई अपने लोगों के साथ इस तरह का न्याय करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं लोगों को गिन रही? हिस्सेदारी का मामला है ये, खैरात नहीं है। ये करना होगा, किसी में वो ताकत अब नहीं है। सबको सामूहिक रूप से ये करेंगे तो किसी पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं कानून पास ना करे। ये पार्लियामेंट देश के असली लोग असली मालिकों की फोटोकॉपी है, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं इनकी। जब ओरिजिनल लोग मजबूती से अपनी ड्यूटी समझेंगे, राज्य के तीन अंग हैं, हम ही राज्य को बनाने वाले हैं, तीन अंग खराब हो जाएं, दो अंग खराब हो जाए, तीसरा अंग है जुडिशरी, वो कंट्रोल करे उनको। पार्लियामेंट में बदमाशी तो नहीं चल रही, पार्लियामेंट का रामलीला मैदान तो नहीं बनाया किसी ने, और पार्लियामेंट को रण क्षेत्र बना दिया लोगों ने। बहुत देशों में खत्म हो गया रिवाज, एक तरफ अपोजिशन एक तरफ ट्रेजरी बेंच, ये बदमाशी है। एक नेता बोलता है सारे ताड़ी बजाते हैं हिजड़ों की तरह से, दूसरे में कोई और बोलता नेता वो बजाते ताली, ना उनको पता इसने नेता ने कहा क्या है, ना उनको संविधान का ज्ञान है। बहुत सारे MPs को संविधान का ज्ञान नहीं है, ये पार्टियां बदमाशी कर रही हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का भी ज्ञान नहीं देती। अरे कम से कम MPओं को 1/3 जिनका समय है टेन्योर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज लेनी चाहिए, 1/3 समय पे उनको जनता से मिलना चाहिए और 1/3 कानून बनाने में समय लगाना चाहिए। सारे अपना दौड़ा कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, इधर उधर घूम काम के लुटिया जो है लूट मचाए गए। तो ये सारा गोरख धंधा इस देश में जब बंद होगा, जब मालिक जागरूक होगा, मालिक के तीन बॉडीगार्ड हैं और तीनों बदमाशी करें, भाई अपनी सुरक्षा नहीं करने के आप लोगों को, 140 करोड़ लोगों को? आपके चौकीदारी बदमाशी करें, चौकीदारी आपको बंद करें अंदर और अपने आप को मालिक समझें, दैट इज नॉनसेंस। इस देश में ना पार्लियामेंट बड़ी है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी या PM CM राष्ट्रपति बड़ा है। इस देश में इन सब की फुफा कोई है, इन सबसे बड़ा कोई है, इन सब का मालिक कोई है, तो इस देश की जनता है। 140 करोड़ का परिवार हमारा, जिसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, सब एक। और वही समानता का आधार है, जब हम सब एक, हम हमारे जैसे सब, ये है समानता का आधार। ना कदकाठी आधार है, ना आपकी अंग्रेजी, ना आपकी हिंदी, ना भाषा, ना रंग रूप, ना कोई इकोनॉमिक तरीका से। इसलिए तीनों न्याय देने का काम संविधान का है, कितना न्याय देश में हुआ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ, आप सब लोग 23 को आए, उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और पूरे समाज के लोग उस प्रोग्राम में, 23 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें सब लोग शामिल हों। थैंक यू वेरी मच।